हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 8 अगस्त 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर आईपीएल की 10 टीमों के रिगार्डिंग्स के साथ ही भारत वेस्टइंडीज के बीच सीरीज और आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी कुछ दिन पहले अपने ट्रायल कैंप स्टार्ट किए थे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम भी हमें छोटे छोटे ट्रायल कैंप लगाते हुए नजर आई थी, तो वही सिमिलर चीज़ अब हमें देखने को मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हमें अलग अलग ट्रायल कैंप लगाते हुए नजर आ रही है। इनके जो ट्रायल कैंप हैं और इसके साथ ही ट्रायल कैंप में जो जो इनकी चीज़ें हुई हैं, जो जो मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, उसकी अगर आप लोग सारी की सारी फोटोज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी कल ही, और टेलीग्राम के ऊपर जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने वो कल ही देख ली थी। तो अगर आप लोग भी ये फोटोज़ देखना चाहते हैं, इसके साथ ही सभी आईपीएल टीमों की सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की तरफ से, जहां पर भारतीय टीम जीत चुकी है सीरीज T20 की और 4-1 से हरा दिया है वेस्ट इंडीज को 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में। हालांकि रोहित शर्मा ने आखिरी मुकाबला नहीं खेला, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद रोहित ने बताया है कि जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भारतीय टीम हार गई थी, जब वो नहीं पहुंच पाए थे आगे तक, तो उसी टाइम पर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उनका ये जो अप्रोच है कि पहले वो थोड़ा आराम से खेलेंगे, उसके बाद लास्ट में वो फिनिशिंग करेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत थी। और इस सीरीज में भारतीय टीम ने उसी अप्रोच के साथ खेला है कि भले ही विकेट आपके एक साइड से गिरते जाएं, लेकिन वो अटैक करते रहेंगे। मतलब सिंपल वर्ड्स में जिस तरीके से हमें ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की टीमें खेलते हुए नजर आती हैं कि वो रन्स के फ्लो को रुकने नहीं देते, भले उनके 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट हो, वो एक साइड से रन स्कोर करने की तरफ देखते हैं। तो भारतीय टीम भी अब उसी अप्रोच को फॉलो करेगी, इनको अकॉर्डिंग आने वाले मैचों में भारतीय टीम जीते या फिर हारे उनका अप्रोच अब पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में पूरी तरीके से बदल चुका है, और इसी तरीके से वो वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइज ये निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा की तरफ से, जहां पर जडेजा जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में हमें काफी सारी चीजें बोलते हुए नजर आ रहे थे, अब जडेजा सुरेश रैना के भी पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि सुरेश रैना को हमने आपको बताया था कि डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, और उसके बाद रैना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस फोटो को पोस्ट किया था, तो उसके नीचे कॉमेंट सेक्शन में रविंद्र जडेजा का जो कॉमेंट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इन्होंने सुरेश रैना को हेलो डॉक्टर स्नेक नाम से बुलाया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि स्नेक हम किसी को तभी बोलते हैं जब वो आपके साथ कुछ गलत कर जाता है या फिर आपको कोई धोखा दे देता है, तो सभी लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि ये आखिर जडेजा को हुआ क्या है अचानक से, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी चीज़ें अचानक से जडेजा क्यों किए जा रहे हैं एक के बाद एक कॉमेंट करके। आप लोग इनके इस कॉमेंट के बारे में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट की तरफ, और गाइज ये निकल कर आ रही है आईपीएल ओनर्स की साइड से, जहां पर जो मिनी आईपीएल हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलने वाला है, वहां पर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको शायद आने नहीं दिया जाएगा, और अब इसी सेम चीज के रिगार्डिंग आईपीएल की फ्रेंचाइज से पूछा गया था। आईपीएल की 6 फ्रेंचाइज जो कि मिनी आईपीएल की 6 टीमों को ओन करती हैं, उनसे सजेशन लिए गए थे कि क्या वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिनी आईपीएल में देखना चाहते हैं। लेकिन गाइज यहां पर आईपीएल के ओनर्स ने भी इस चीज को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं देखना चाहते मिनी आईपीएल में। तो पहले तो मिनी आईपीएल जहां जिनके जो चेयरमैन है उन्होंने पहले इस बात से मना कर दिया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आएंगे, उसके बाद अब आईपीएल की फ्रेंचाइज के द्वारा भी इस आइडिया को रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसके बाद अब यह उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तानी और भारतीय प्लेयर्स कभी भी हमें एक ही टीम में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और यह अपडेट निकल कर आ रही है एक रिप्लाई के रिगार्डिंग, और यह रिप्लाई दिया गया है सुनील गावस्कर की तरफ से। सुनील गावस्कर ने रिप्लाई दिया है उन सभी प्लेयर्स को जो कि आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, इसके इंसेप्शन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बोली, तो उनको रिप्लाई करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा है कि इनको अपनी क्रिकेट पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, इनके देश में जो T20 लीग होती है उसके ऊपर अगर ये फोकस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही गावस्कर ने कहा कि अभी जो आईपीएल को क्वेश्चन कर रहे हैं वो जब उनके ही देश में बीबीएल होता है या फिर उनके ही देश में कोई T20 लीग होती है या फिर उनका कोई समर का सीजन होता है, तो उस टाइम पर तो ये कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते, ना ही ये उस टाइम पर अपने प्लेयर्स को किसी दूसरी लीग में खेलने के लिए भेजते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीएल की 2.5-3 महीने की विंडो आती है उसी टाइम पर ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं।
देते हैं कि आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट हमें काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से सुनील गावस्कर ने वो रिप्लाई कर दिया है फाइनली, जो कि फैक्ट्स के साथ है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है एशिया कप के रिगार्डिंग। हालांकि एशिया कप से ठीक पहले भारतीय टीम को अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 ODI मुकाबलों की सीरीज भी खेलनी है, लेकिन अब जो मेन फोकस है वो धीरे धीरे एशिया कप की तरफ जाने लगा है। और एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है 28 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि एशिया कप 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लेइंग 11 है वो काफी हद तक हमारे सामने फिक्स हो चुकी है। हमारे सामने जो प्लेइंग 11 निकल कर आ रही है अलग अलग न्यूज सोर्सेज की साइट से, इसके साथ ही हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज है उनकी साइट से भी, ये जो पूरी प्लेइंग 11 है भारत पाकिस्तान मुकाबले की एशिया कप के लिए, वो हम आपको चैनल के ऊपर अभी से कुछ घंटे के बाद एक वीडियो बनाकर देंगे। तो वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए भी आप लोगों को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में पता चल जाएगा। तो उस वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइज ये निकल कर आ रही है वेंकी मैसूर, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं पिछले काफी टाइम से। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है और उन्होंने कहा है कि आंद्रे रसेल जैसे प्लेयर जो कि उनकी टीम में है और जो कि पूरे साल ही ऑलमोस्ट हमें अवेलेबल रहते हुए नजर आते हैं T20 लीग्स के लिए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि IPL में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही इनकी फ्रेंचाइज काफी दूसरी जगह पर भी है, जैसे कि CPL में इनके पास टीम है, अबू धाबी जो लीग होती है वहां पर भी इनके पास टीम है, UAE T20 लीग में भी इनके पास टीम है, शायद मिनी IPL में भी इन्होंने टीम परचेस की है। तो ऐसे में इनके अकॉर्डिंग कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके साथ ही IPL की सभी फ्रेंचाइजेस को ये परमिशन दी जानी चाहिए कि इनकी टीम के जितने भी स्टार्स हैं वो इनकी सेम फ्रेंचाइज से ही खेलने चाहिए, चाहे वो किसी भी लीग में खेल रहे हो। मतलब कि जैसे आंद्रे रसेल अगर वो IPL में खेल रहे हैं या फिर अगर वो खेल रहे हैं UAE T20 लीग में, तो फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज से ही खेलने चाहिए और उनको किसी और टीम के द्वारा ड्राफ्ट किए जाने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। पास्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी इस बात को बोल चुकी है और मोइन अली को तो ऑलरेडी वो जोहानसबर्ग की जो उनकी है IPL की फ्रेंचाइज है वहां पर साइन करवा चुके हैं। तो सेम इनका कहना है कि इस चीज को आप रूल ही बना दो कि जितने भी उनके प्लेयर हैं वो सिर्फ उनकी ही फ्रेंचाइज से खेलेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है इनके स्टेटमेंट के बारे में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में एबी डिविलियर्स के रिटर्न के रिगार्डिंग। पिछले काफी टाइम से हाइप बनी हुई है कि एबी डिविलियर्स इस बार RCB की टीम में रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि किस कैपेसिटी में रिटर्न करने वाले हैं, क्या वो एज अ प्लेयर रिटर्न करेंगे या फिर आपको वो रिटर्न करते हुए नजर आएंगे RCB के कुछ कोचिंग स्टाफ में असिस्टेंट के तौर पर, ये तो हालांकि अभी तक क्लियर आउट नहीं किया गया। लेकिन फाइनली इसके रिगार्डिंग एक अपडेट RCB की टीम के द्वारा जारी कर दी गई है, जहां पर माइक हैसन ने कहा है कि एबी डिविलियर्स के RCB में रिटर्न के रिगार्डिंग और इसके साथ ही क्या उनका रोल रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में, इस बात का डिसीजन आप लोगों को अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। अक्टूबर के महीने में एबी डिविलियर्स आपको बेंगलोर ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे, जहां पर वो RCB की टीम के मैनेजमेंट के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि RCB की टीम में किस कैपेसिटी में अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।